नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि NGEL यानी कि दोस्तों NTPC ग्रीन, यहां पर देखिए एनर्जी लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आपके पास मैसेज आया होगा जीमेल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, और फिर से एक नोटिस जारी किया गया है कि एडमिट कार्ड से संबंधित। तो देखिए NGEL यानी कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोला होगा और कह रहा होगा कि आपका 12 मई को एग्ज़ाम है, तो उससे संबंधित यहां पर जो भी नोटिस निकल कर आया है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। और जो कि दोस्तों कक्षा, यहां पर देखा जाए तो कक्षा 10 पास और यानी कि ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के पास इस तरह का मैसेज आया है। तो दोस्तों दो दिन पहले से ही यानी कल और परसों सभी के पास इस तरह का मैसेज आया होगा NGEL की तरफ से, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, कि एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 कि डियर कैंडिडेट रिफर टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर रिक्रूटमेंट NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर। इतना रिटन टेस्ट यहाँ पर बताया गया कि 12 मई को आपका होगा, जबकि आप लोगों ने कोई भी फार्म अप्लाई नहीं किया था, फिर भी आपके पास ऐसा मैसेज आया है। और आप लोग काफ़ी सारा कमेंट कर रहे थे कि सर बता दीजिए कि कैसे हम लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने इसका कोई फॉर्म नहीं भरा है, ये गलती से मैसेज भेजा गया है। और इससे संबंधित दोस्तों अब ये NGEL वाले भी मैसेज भेज रहे हैं, देखिए आपके पास किस तरह का मैसेज अब दोबारा आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं NGEL की तरफ से दोस्तों ये फिर से दोबारा एक मैसेज भेजा गया है, देख सकते हैं कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम, देखिए ये आया हुआ है कि डियर कैंडिडेट, इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट यू मे हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अस ऑन फ्राइडे 3 मई 2024, यानी कि आज तो 5 तारीख है, तो परसों के डेट में दोस्तों सभी कैंडिडेट के पास भेजा गया है, यह है वो ITI के स्टूडेंट हो या डिप्लोमा के या ग्रेजुएशन के, जो भी इनके वेबसाइट पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी किए हुए हैं, तो उनके ईमेल आईडी पर इस तरह का मैसेज आया था एग्ज़ाम का। तो उनके पास अब दोबारा से आज से या और कल से भी मैसेज भेजा जा रहा है। फ्राइडे की 3 मई को जो मैसेज भेजा गया था 3 मई 2024 फ्राइडे को, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम इन NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग या एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि यू आर एडवाइज टू इग्नोर दिस मेल, यानी कि आपको इस मेल को इग्नोर करना है। इट सीम्स टू हैव गॉट, यहाँ पर देखिए सर्टेन टेक्निकल ग्लिच, यानी कि इन आवर सर्वर, तो इनके सर्वर में दोस्तों क्या है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये मैसेज आपको आ गया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, वी सिंसियरली अपोलॉजी फॉर एनी कन्फ्यूजन एंड आर इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉज्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि ये आपका एग्ज़ाम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आप लोगों के पास ये मैसेज गया है, आप लोग इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जो भी कैंडिडेट कह रहे थे मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था, तो दोस्तों आप लोगों ने फार्म ही नहीं भरा था इसलिए आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होगा। ये उनके लिए है जो कि इन्होंने ग्रेजुएशन बेस पर ये भर्ती आई थी इंजीनियरिंग या एग्जीक्यूटिव का, ठीक उनके लिए है। तो आप लोगों के पास गलती से मैसेज भेजा गया था, तो आप लोगों का कोई भी एडमिट कार्ड यहाँ पर रिसीव होने वाला नहीं है और ना ही आप लोगों का कोई पेपर है 12 मई को। अब किन के लिए था ये भी मैं आप लोगों को बता दूं और कितने पोस्ट थे इसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये जो भर्ती निकाला गया था जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2024, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसमें दोस्तों जो पोस्ट थे, तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 मई 2024 को जारी किया गया है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था इंजीनियर का पोस्ट था, सिविल का यहाँ पर 20 पोस्ट था, ये दोस्तों बी या बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए था। ठीक, बाकी ये सब ना तो डिप्लोमा वालों के लिए ना ही ITI वालों के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ बीटेक वालों के लिए है ये और BE वालों के लिए है। मैकेनिकल का इसमें 9 सीट था और एग्जीक्यूटिव HR का 1 सीट था, CDM का 1 सीट था। तो इस तरह से दोस्तों ये 63 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। ठीक, जो कि दोस्तों टोटली ग्रेजुएशन बेस पर था। तो आपके पास गलती से मैसेज आया है और आपके पास दोबारा से मैसेज भेजा जा रहा है, हो सकता है किसी के पास आए किसी के पास ना आए,
तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम उनका होगा जो लोग एक्चुअल में इसका कोई फॉर्म भरे हैं ग्रेजुएशन यानी कि बी या बी टेक बेस पर। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनको भी बता दीजिए कि ऐसे कि उनके पास जो मैसेज आया है उससे परेशान ना हो, कोई भी एग्ज़ाम उनका नहीं होने वाला है 12 मई को, ये उनकी टेक्निकल इशू होने की वजह से ये मैसेज आपके पास आया था। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।